एस न्यूज सच का साथी। राजधानी लखनऊ में हजरगंज जीपीओ में स्थित गांधी प्रतिमा पर उत्तर प्रदेश टिम्बर एसोसिएशन के लोगों ने धरना दिया। धरने के संयोजक मोहनीश त्रिवेदी ने कहा कि यदि 7 दिनों में आरा मशीन व्यापारियों की मांगे ना मानी गई तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के पीड़ित व्यापारी परिवार सहित माननीय वन मंत्री दारा सिंह चौहान जी के सरकारी आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। वह तब तक नहीं हटेंगे जब तक या तो उनकी मांगे ना मानी जाए या अंग्रेजों के शासन की तरह सभी पीड़ितों पर अत्याचार करके जेल में ना भेज दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये वन विभाग के बेस्ट अधिकारियों ने सरकार को गुमराह करते हुए हमारे बारे में जानकारी दी कि हम अवैध हैं। गलत जानकारी। जबकि हमारे 1978 में वन विभाग बनने से पहले 1978 में वन विभाग के बनने से पहले से हम व्यापार कर रहे थे। 1990 के भी लोग हैं, 2000 से भी लोग हैं जो व्यापार कर रहे थे, जिनके पास किसी न किसी तरह का वैध कागजात थे। अगर हमारे पर रसीद नहीं थी तो वन विभाग की लापरवाही थी। अधिकारियों ने अपनी गलती को हमारे ऊपर थोप करके हमें अवैध साबित किया और हमारा रोजगार हमसे छीन लिया। हम लोगों ने 1.5 साल लड़ाई लड़ी, जिसके बाद सरकार ने ई लॉटरी के माध्यम से हमें राहत देने की कोशिश की, मगर वन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे ई लॉटरी में भी धांधली की और धांधली करके ऐसे ऐसे लोगों को लाइसेंस दे दिया जिन्होंने कभी लकड़ी का व्यापार नहीं किया। ये पुश्तैनी व्यापारी हैं जो कि तीसरी पुश्तैनी यहाँ खड़ी है। हम लोग लकड़ी का व्यापार कर रहे थे, हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? मांगे क्या हैं? हम लोग की 8 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग है कि हम लोगों को लाइसेंस दिया जाए। पूरे प्रदेश के जितने भी पीड़ित आरा मशीन व्यापारी हैं उनको लाइसेंस दिया जाए प्रायोरिटी के तौर पर। हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से 7 दिन का समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री को। अगर 7 दिन के बाद भी हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो बगल में ही आवास है वन मंत्री जी का, दारा सिंह चौहान जी का। हम लोग सब लोग दारा सिंह चौहान जी की आवास के बाहर सब परिवार इकट्ठा होंगे, वहीं पे बैठे रहेंगे और तब तक वहां से नहीं हिलेंगे जब तक या तो हमको लाइसेंस नहीं मिलता या तो हमको वो लोग अंग्रेजों की भांति जेल में नहीं ठूंस देते। इसमें जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो दिशा निर्देश था 31/10/2015 में, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पॉलिसी बनाएं जी, और पॉलिसी के तहत जो है लाइसेंसों का वितरण करें जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में अपनी पॉलिसी बना दी जी। पॉलिसी बनाने के बाद सभी राज्य सरकारों को भेजा, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा। पहली गलती तो सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने ये किया कि उस पॉलिसी को ही दबाए रखा जी, उस पर किसी प्रकार से कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम लोगों ने उस पॉलिसी को लेकर के मांडी हाईकोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया। माननीय हाईकोर्ट ने उस पॉलिसी का को कंसीडर करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के सीक्वेंस में आप पॉलिसी बनाएं और पैरिटी के आधार पर लोगों को लाइसेंस वितरित करें। दूसरा एक माननीय हाईकोर्ट ने गोटा परमिट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन आदेश किया था, जिसमें यह कहा था कि जो आरा मशीन से संबंधित जिनके पास एक भी पेपर है, इवन सिंगल पेपर, तो उनको पैरिटी के आधार पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए और पहले उनको कंसीडर किया जाए, इसके बाद अगर जो है लकड़ी की उपलब्धता के आधार पर जो है प्रक्रिया, अगर आपके पास लकड़ी ज़्यादा है तो आप नई प्रक्रिया को शुरू करें, ई लॉटरी करें, जो भी करें, लेकिन फर्स्ट पैरिटी उन लोगों को दिया जाए जो लोग इस व्यवसाय से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। एबीपीएस न्यूज़ सच का साथी।